इस वक्त डी चौक के ऊपर आप देख सकते हैं एक फैमिली पहुंची है और इस फैमिली से पूछते हैं कि ये क्या करने यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बच्चे के जो बैग पे ये इसने जर्सी पहनी हुई है, ये आप देख सकते हैं कैदी नंबर 804 की जर्सी भी पहनी हुई है। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं बताइएगा। लाहौर से। लाहौर से आए हैं, क्या करने आए हैं जी? इमरान खान के लिए सपोर्टर हैं हम, उनके लिए आए हैं कि उन्हें। आप पहली फैमिली हैं जो कि डी चौक पहुंची है, एहतजाज की कॉल कल है लेकिन आज ही आप लोग पूरी फैमिली के साथ, या आप हस्बैंड इनके? जी जी। डर नहीं लग रहा गिरफ्तारियां वरिफ्तारियां? ये देखें, ये हमारे ब्रदर हैं, भाई हैं ये हमारे, माशाल्लाह इनसे डरेंगे? ये हमें डराएंगे या हम इनको डराएंगे? या भाई हैं हमारे, हम किसी से यहाँ हम दफा 144 नाफिज है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में। वो एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज तो हर इंसान का हक है, वो हम करने आए हैं, इस पर तो कोई नहीं रोक सकता ना हमें। एहतजाज तो हर इंसान का हक है, बस बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में सारे मामला हल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने पर उम्मीद हैं आप? पर उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल। किस तरह के मामला हल हो जाएंगे? सब मामला जो आवाम चाहती है, जिस तरह का कोई पाकिस्तान हो उस तरह का पाकिस्तान इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में। मतलब आप ये कह रहे हैं खान साहब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल। आप ये बेटे हैं आपके? जी जी। बेटे को भी साथ ले आए हैं? जी बेटे, छोटा बेटा भी है 5 साल का माशाल्लाह, वो भी साथ है? जी जी, बच्चों के स्कूल ऑन है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, हमने कहा कोई बात नहीं एग्जाम्स फिर हो जाएंगे तो खान साहब के लिए बाहर निकल। अच्छा ये बताएं कि जैसा कि मैंने कहा कि गिरफ्तारियों का भी खदशा है, तो आप लोग किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? उम्मीद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, इंशाल्लाह 3-4 दिन में सब मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, बड़े पूरी उम्मीद है हम लोग, और कोई ऐसा मसला नहीं। गिरफ्तारियाँ पहले कौन सा नहीं हुई हैं, अब हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, गिरफ्तारियों से कोई नहीं। आप पूरी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, और 5 साल का बेटा भी आपका है, तो क्या वजह है खान साहब को, क्यों आप लोग लाइक करते हैं खान साहब? बस वो आवाम के लिए हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं। इतने सालों से ये जो चोर डाकू लगे हुए हैं, वो आता है वो खा जाता है, वो आता है वो खा जाता है जी, काम कर रहे हैं तो खाते हैं तो काम भी तो करते हैं ना। वो खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि अब जो आवाम के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। अच्छा बेटा आप क्या कहना चाहोगे, आपने तो कैदी नंबर 804 की जर्सी भी पहनी हुई है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं जलसे में आया हूँ। जलसा तो कल है, आज देखने आए यहाँ के मुनाजे जो लोग आए हैं कि नहीं। खान अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी। क्या वजह है? वो लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में। अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि आप अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर्दी बहुत है, बीमार भी हो सकते हैं, तो क्या खान साहब के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अच्छा बस खान है तो सब कुछ है, खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना जज्बा, इतना जज्बा। बीमारी, ये रात को ठंडक, और ये अगर बारिश वारिश हो जाए, हाँ। ये बहुत मामूली चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं खान के सामने, ये कुछ चीज़ नहीं, मैंने नहीं रखती। पिछले मरतबा जो एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो कामयाब नहीं हुआ था, लीडरशिप यहाँ तक नहीं पहुँची थी, तो आपको क्या लगता है कि आपके हौसले टूटे हुए हैं, इस मरतबा भी यही होगा? आप खान की कॉल है, हम खान की कॉल पर आए हैं, हम किसी लीडर को नहीं जानते, कोई वज़ीर आला है चाहे वो गवर्नर है, वो वज़ीर आज़म है, हम किसी को नहीं जानते, हम खान को जानते हैं। तो इस वक्त सीनियर साफ़ी महविश कमास मेरे साथ मौजूद है। महविश आप दिन से यहाँ पर डी चौक में मौजूद हैं, क्या फ़र्क लग रहा है? पिछले हमने देखा कि लॉन्ग मार्चेस हुए, धरने हुए, अब की बार जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, सूरत हाल आपके सामने है, क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? आप तमाम तर चीज़ों को देख भी रही हैं और अब आपने पूरा दिन देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम, कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो क्या एक कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च या धरना देने में कामयाब हो सकेगी? देखिए अगर कामयाबी के बारे में बात करूं तो ये तब पता चलेगा जब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला जो है वो पंजाब की तरफ बढ़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िला जो है पंजाब की तरफ बढ़ा, इस्लामाबाद आया, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया था, आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो अगर ये सीन ना हो तो ये लॉन्ग मार्च या ये एहतजाज धरना जो भी है वो कामयाब हो सकता है, अगर ये लोग वापस ना चले जाएँ, अगर सब के सब इस्लामाबाद आ जाए। लेकिन जो तैयारियाँ मैं देख रही हूँ इस बार,
40,000 के करीब नफरी इस्लाम आबाद में मौजूद है, जिसमें से 19,000 पंजाब पुलिस है, सिंध से आई है, कश्मीर से आई है, FC 9,000 के करीब यहाँ इस्लाम आबाद में मौजूद है। तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नफरी का होना और फिर इनकी जो तैयारियाँ हैं, तो इससे यही लग रहा है कि ये लोग तैयार हैं किसी तरीके भी कोई भी एहतजाज होगा उससे निमटने के लिए। अब डिपेंड करता है कि वो लोग पहुँच पाते या नहीं। लेकिन अगर सिर्फ मैं, मुझे इस बात पे थोड़ी सी हैरानी होती है कि सारे जो काफ़ला है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही क्यों आता है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, पंजाब से क्यों कोई नहीं आता, इतनी बड़ी तादाद में नहीं आता जितनी ज़रूरत है, सिर्फ KPK से ही क्यों आते हैं। और अक्सर खौफ इनको KPK वालों से ही होता है कि KPK से इतना बड़ा काफ़िला आएगा तो जो मैदान जंग होगा वो अटक का मुकाम होगा, और वहाँ पर ऑलरेडी रेंजर्स जो है वो तैनात हो गए हैं, कंटेनर्स लग गए हैं, तमाम रोड आपने देखा GT रोड बंद है, मोटरवे बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है। मुझे लगता है इनको अभी काम याद आया कि काम शाम करना चाहिए, मोटरवे को ठीक करना चाहिए। तो अभी लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हम इस बार एहतजाज जो करेंगे वो सरप्राइज़ होगा इस्लाम आबाद की पुलिस को, इस्लाम आबाद की इंतज़ामिया के लिए। तो एहतजाज क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब ये लोग यहाँ पर पहुँच जाए। अच्छा मेविश, आपने कहा कि हुकूमत की तैयारी बहुत ज़्यादा है अब की बार, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा चार्ज है उनके कारकुनान, और वो भी बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं अब की बार, तो उनकी तैयारियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों को देख कर क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई एक कामयाब प्रोटेस्ट कर पाएंगे वो, जो मुतालबात हैं उनके क्या मनवा पाएंगे, उनकी तैयारियों को देखकर क्या लग रहा है? देखिए तैयारियां तो मैं जिस तरह देख रही हूँ मुझे थोड़ी खामोशी लग रही है उनकी तरफ से, और मुझे नहीं पता किस तरह क्यों है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि कंटेनर सच रहे, गाड़ियाँ तैयार हो रही है, उस तरह फ़िलहाल मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि क्यों उस तरह चीज़ें सामने नहीं आ रही। शायद वही सरप्राइज़ की बात है, ये लोग सरप्राइज़ करना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक काफ़िला जो है वो सवाबी के मकाम पर पहुँच गया, तो ये नहीं, मुझे लगता है कि इस बार कोई प्लानिंग हुई है इन्होंने और वो प्लानिंग जो है ये लोग सामने नहीं लाना चाह रहे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ देंगे और तमाम रास्ते बंद हैं, तो ये सरप्राइज़ कैसे देंगे? कुछ रास्ते मुझे लगता है अभी भी कुछ रास्ते इस तरह है कि तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ आ सकते हैं उस रास्ते से। अगर आपको याद हो, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं कहीं चढ़ चढ़ कर गया और वहाँ से 12 अज़ला पार करके मैं यहाँ पर पहुँचा। तो मुझे लगता है कि इस बार अली अमीन गंडापुर को शायद वो रास्ता याद हो, तो वो उन रास्तों से जो है वो इस्लाम आबाद इंटर हो जाए, क्योंकि मैं सुबह वहाँ से आई हूँ, वो रास्ता बंद नहीं है, ना वहाँ पर कंटेनर्स है ना कुछ और है, क्योंकि वहाँ पर गांव वगैरह है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा मेविश, शेर अफजल मरवत को इस्लाम आबाद की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? लगता है कि उन पर, उनसे जो उम्मीदें हैं कारकुनान की या PTI की, उस पर पूरा उतरेंगे? देखिए इससे पहले जो दो एहतजाज हमने देखा वहाँ पर शेर अफजल मरवत गायब थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे। लेकिन इस बार उन्होंने ख़ुद कह दिया है कि इस बार एहतजाज में लीड करूँगा और एहतजाज जो होगा वो हिस्ट्री में इस तरह किसी ने नहीं किया होगा। तो उनसे उम्मीद अगर हम ये लगाए तो वो कोई इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो कहते हैं वो कर पाते हैं। शेर अफजल मरवत अपने बातों पर हमेशा कायम रहते हैं, तो डेफिनेटली उनके इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, और फिर अगर वो मरवत जो कम्युनिटी है उनको अगर कह दे तो ज़रूर उनके साथ लोग आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। और दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि सारे MNAs MPAs इस वक्त KPK में हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत और कुछ MNAs जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर वो एहतजाज लीड करे रावलपिंडी इस्लाम आबाद से अवाम को निकाले, तो मुझे लगता है इन लोगों के लिए यही लोग काफ़ी है, ना बजाय ये कि पंजाब और KPK से लोग आए, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स।